Assalamu alaikum dear students, hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, in this very video lecture we are going to do a question number 3 of exercise 8.2. जैसा कि फिर से आपको यहां से बोर्ड से पता चल रहा है कि सर ने पहले दो questions का जो half वाला proof था वो बिल्कुल वैसे ही था, उसने वो कुछ rough नहीं किया है. इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो हाफ होता है ना, मोर देन हाफ, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के ही तरफ होता है. ठीक है, यानी कि जैसे हमने वहां पे पैटर्न फॉलो किया था, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे. ये सब चीजें आपको पता चलेगी जब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दिया गया है, ए बी सी डी रेक्टेंगल पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स ए बी बी सी सी डी डी ए रेस्पेक्टिवली शो दैट कोऑर्डिनेट पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दिया गया है, एक रेक्टेंगल दिया गया है एबीसीडी. एबीसीडी अगर रेक्टेंगल है, इसके अपोजिट साइड इक्वल होगी, ईच एंगल 90 होगा, एंगल ए और एंगल डी 90, एंगल बी और सी 90, ये सभी 90 हो गए, एंगल चार के चार एंगल. ठीक, एक रेक्टेंगल दिया गया है क्वेश्चन नंबर थ्री में एबीसीडी. ठीक, उसके बाद में इस रेक्टेंगल के चार साइड के ऊपर जो मिड पॉइंट दिए गए हैं उनका नाम दिया गया है पी क्यू आर एंड एस. पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स फोर साइड, दैट्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली. वी नीड टू शो दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेट बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट इज फोर साइड, दैट्स पी क्यू आर एस, इट इज अ रोम्बस, इट इज अ रोम्बस. अच्छा, इस अंदर वाले क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम दिखाने के लिए हम क्या करते थे, पहले वाले क्वेश्चन में एसी डायगोनल दी गई थी, दूसरे वाले क्वेश्चन में हमने इसको कंस्ट्रक्शन में लिया था, इस वाले क्वेश्चन में नहीं दी गई, तो एज अ रिजल्ट कंस्ट्रक्शन यानी कि डॉटेड रखनी पड़ेगी. अब जब हमने डॉटेड रख दी है, जरा बताइए ये अंदर वाला क्वाड्रिलेटर जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिखाया, क्या ये पैरेललोग्राम दिखा सकती है? हाँ दिखा सकती है. इसका मतलब अंदर का जो क्वाड्रिलेटर है वो पैरेललोग्राम है आरडी से. ठीक, उसके बाद में इसको क्या हमें असल में दिखाना है, इसको असल में हमें दिखाना रोम्बस है, और इसको रोम्बस दिखाएंगे, इसके दो एडजेसेंट साइड्स क्या दिखाएंगे, लेंथ में इक्वल है, बिकॉज बाय डेफिनेशन कोई भी पैरेललोग्राम कब बन जाता है रोम्बस, जब उसके कोई भी एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल इन लेंथ होगा. वही करेंगे, यानी कि या तो हम एस पी दिखाएंगे एस आर के, या तो पी क्यू दिखाएंगे पी एस के, तो ऐसा कुछ करेंगे. जब ऐसा कुछ करेंगे उसके बाद में इस पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस में हमने दिखाया होगा एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल इन लेंथ थे, तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा ये क्वाड्रिलेटर. कौन दिखाएंगे इसको, इसको दिखाएंगे रोम्बस फिर. ठीक है, चले आते हैं गिवन की तरफ. गिवन में हमारे पास में क्या है, गिवन हमारे पास में है बेटा एक 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 दिया गया है रेक्टेंगल. गिवन है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आर ई सी टी, रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी सी डी विद 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 द मिड पॉइंट विद पी क्यू आर एंड एस, विद पी क्यू आर एंड एस एज द मिड पॉइंट, एज द मिड पॉइंट ऑफ इट साइड, मिड पॉइंट ऑफ इट साइडस साइडस ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली रेस्पेक्टिवली. ठीक है, ये चीज हमारे पास में है. उसके बाद में हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, क्वाड्रिलेटर ए पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस जो क्वाड्रिलेटर है इज ए रोम्बस, आर एच ओ एम बी यू एस, रोम्बस. ठीक है, उसके बाद में पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्शन करनी है. कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे बेटा, ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन ए टू सी, ज्वाइन ए टू सी, या ज्वाइन ए टू सी, या ज्वाइन ए सी. जब हम ए सी ज्वाइन करेंगे, जरा बताइए जो कोऑर्डिनेटर इस केस में दिया गया है ए बी सी डी, ये क्या हो जाएगा सर, डिवाइड हो जाएगा. कैसे, किन में डिवाइड हो जाएगा सर, दो ट्रायंगल में. ये तो एक तो ए टी सी जो हमने पहले दो और दूसरे क्वेश्चन में बताया था आपको, और दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी. अब जरा बताइए ट्रायंगल ए डी सी में क्या एस और आर मिड पॉइंट से, इसके दो साइड्स ए डी और डी सी के, हाँ है. जरा बताइए एस आर क्या है, इट इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ए डी सी, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट आर एस आर विल बी पैरेलल टू ए सी, एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी. वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है. प्रूफ जब इसका आप स्टार्ट करोगे बेटा, प्रूफ जब इसका पिछले वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पे लिखना, प्रूफ आप जब इसका स्टार्ट करोगे, आप क्या करोगे, नाउ इन ट्रायंगल एडीसी एस आर इज अ लाइन सेगमेंट, एस आर इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स एस एंड आर ऑफ इट इज टू साइड्स ऑफ इट इज साइड ए डी एंड डी सी, ए डी एंड डी सी, सो बाय मिड पॉइंट थर्म एस आर इज पैरेलल टू ए सी, एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी. ये चीज आप लिखोगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड. ठीक, उसके बाद में ऑल्सो इन ट्राइंगल ए बी सी इज पी द मिड पॉइंट ऑफ इट साइड ए बी, ऑब्वियसली इज क्यू द मिड पॉइंट ऑफ इट साइड बी सी,
of course, okay. Therefore, PQ is what? It is the line segment joining the midpoints of its two sides. Therefore, by midpoint form, it will be the parallel to its third side. It will be parallel to its third side. And keep PQ parallel to AC and PQ is equal to half of AC. Which is humne likhi also in triangle ABC. If PQ is the line segment joining the midpoints P and Q of its sides AB and BC. So, by midpoint form, MPT matlab midpoint form. PQ parallel to AC, equation third, and PQ is equal to half of AC. That's equation fourth. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा था, हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम थर्ड एंड फर्स्ट. फ्रॉम थर्ड एंड फर्स्ट, थर्ड से हमें क्या पता चल रहा है? थर्ड से हमें पता चल रहा है कि पी क्यू पैरेलल टू एसी. पी क्यू पैरेलल टू एसी. फर्स्ट से क्या पता चल रहा है? एसआर पैरेलल टू एसी. एसआर पैरेलल टू एसी, लाइन व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. इट मींस दैट पी क्यू विल बी पैरेलल टू एसआर. पी क्यू पैरेलल टू एसआर, इट इज इक्वेशन स्टार. ओके, उसके बाद में फ्रॉम फोर्थ एंड सेकंड. फ्रॉम फोर्थ, what we come to know that length of PQ is half of AC. From equation second, we come to know that SR, length of SR is half of AC. Therefore, from both of these equations, we come to know that PQ and SR are halves of the same thing, that is AC. It means that they will be equal to each other by means of equal to the axiom, okay? Therefore, PQ is equal to SR. This is equation double star. From यहाँ पे ये विच नहीं लिखना बेटा, ये विच नहीं लिखना. अगर पीछे कोई कहीं पे होगा तो ये विच नहीं लिखना, ठीक है? यहाँ पार्ट जो हमने यहाँ पे लिखा है, पार्ट थर्ड पार्ट सेकंड, ये भी आपको रब करना है. पीछे वाले क्वेश्चन में अगर शायद होगा तो ये रब करना है. फ्रॉम डबल स्टार एंड स्टार, वी कम टू नो दैट कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस हैज लिखना, हैज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स. वन पेयर ऑफ इट इज अपोजिट साइड्स, ये चीज हम रब करेंगे, ठीक है? हैज वन पेयर ऑफ, फ्रॉम डबल स्टार एंड स्टार वी कम टू नो दैट कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस हैज वन पेयर, वन पेयर, पेयर ऑफ इट इज अपोजिट साइड्स, ऑफ इट इज अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स इक्वल, इक्वल एज वेल एज पैरेलल. जो लाइन हमने वहां पे लिखी थी एज वेल एज पैरेलल, ठीक है? दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, जो डबल स्टार हमें बताती है. एंड पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू पैरेलल टू एस आर. PQ is equal to SR, okay? And PQ is parallel to SR. This is given by as the star equation, okay? PQ parallel to SR is star equation, say double star equation. Therefore, अगर इस किसी भी coordinator में एक pair of opposite sides equal और parallel होता है, वो coordinator बोलो बेटा कौन होता है? That is actually the parallelogram, ठीक है? Therefore, coordinator PQR is a parallelogram. Therefore, PQRS is a parallelogram. अब इस पैरेललोग्राम को हमने रोम्बस दिखाना है, जो कि हमारे पास में टू प्रूव करना है. हमें इस कोऑर्डिनेटर को बेटा क्या दिखाना है? पैरेललोग्राम दिखाना है. पैरेललोग्राम दिखाने के लिए हम क्या करेंगे सर? कोशिश करेंगे इसका एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड किसी तरीके से हम पैरेलल दिखा या इक्वल दिखा सके, एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा सके, ठीक है? अब देखिए इधर, नाउ इन ट्रायंगल हम कोशिश करेंगे पी और पी बी साइड इसका दिखाए इक्वल, पी पी और पी बी साइड इक्वल दिखाए. नाउ इन ट्रायंगल पी ए एस एंड पी बी क्यू. नाउ इन ट्रायंगल पी ए एस एंड पी बी क्यू कामा वी हैव, व्हाट वी हैव, वी हैव दिस वेरी थिंग, ठीक है? क्या हम लिख सकते हैं ए पी, पी ए इज इक्वल टू पी बी? हाँ, पी ए इज इक्वल टू पी बी. वाई सो? बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बिकॉज पी मिड पॉइंट है ए बी का, ओके? उसके बाद में क्या हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी? हाँ लिख सकते हैं. Each लिख सकते हैं 90 डिग्री के बराबर, each 90 डिग्री के बराबर. उसके बाद में क्या हम लिख सकते हैं AS और B क्यों बराबर है? हाँ है, AS is equal to BQ, AS is equal to BQ. क्यों? AS BQ के बराबर है इन ट्रायंगल APS और B इन ट्रायंगल PAS, PAS एंड PBQ. हमने लिखा
पी ए इज इक्वल टू पी बी बिकॉज पी बींग द मिड पॉइंट ऑफ ए बी तो इक्वल हो गए. एंगल ए और एंगल बी बराबर है क्योंकि ये दोनों 90 है बिकॉज दे आर एक्चुअली द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल. एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं? 90 होते हैं सभी. ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में हमने क्या लिखा, हमने लिखा है एस और बी क्यों बराबर लेंथ में. एस इज इक्वल टू बी क्यों, क्यों नहीं होगे? जरा बताइए, ए बी सी डी रेक्टेंगल है ना, इसके अपोजिट साइड इक्वल होगी. सर ए डी बराबर होगा बी सी के, क्या ये है सही? बिकॉज ए डी इज इक्वल टू बी सी है ना, विच इंप्लाइज दैट क्या हाफ ऑफ ए डी होगा बराबर हाफ ऑफ बी सी के? सर क्यों नहीं होगा? विच इंप्लाइज दैट सर बता, हाफ ऑफ ए डी से हमारा मतलब क्या? सर एस तो मिड पॉइंट है, हाफ ऑफ ए डी से हमारा मतलब इधर ए एस और डी एस, तो हमारी मर्जी है कि हम ए एस से रिप्लेस करेंगे इसको, इज इक्वल टू. और हाफ ऑफ बी सी से हमारा मतलब क्या? सर क्यों तो मिड पॉइंट है बी सी का, इसका मतलब हाफ ऑफ बी सी का मतलब इधर सी क्यों और बी क्यों. हमारी और आपकी मर्जी क्या होगी? हमारी और मर्जी होगी, हमारी और आपकी मर्जी होगी कि हम इस हाफ ऑफ बी सी को बी सी को बी क्यू से रिप्लेस करें, बिकॉज क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. हाफ ऑफ बी सी का मतलब या तो बी क्यू या तो सी क्यू, हमने हाफ ऑफ बी सी को बी क्यू से रिप्लेस किया, वही हमने लिखा एस इज इक्वल टू बी क्यू. नाउ इन ट्रायंगल पी ए एस एंड पी वी एस व्हाट वी हैव कंक्लूडेड? सर वी हैव कंक्लूडेड टू साइड्स पी एंड पी बी, पी ए एंड ए एस, and the including angle of these two sides of this very triangle AP PAS are equal to the two sides and the including angle of the second triangle, therefore by side angle side congruence criteria these two triangles are congruent. ठीक है, therefore by side angle side congruency criteria triangle, कौन सा triangle? Triangle PAS, PAS is congruent to triangle PBS, PBQ sorry, PAS is congruent to triangle PBQ. So by CPCT, ठीक है, CPCT से हमारा मतलब congruent triangles में जो equal angles होती है उनके जो opposite sides होती है वो equal होती है. अब जरा बताइए इन दोनों triangles में APS and PB, PBQ में, PAS और PBQ में क्या एंगल ए और एंगल बी बराबर है? दोनों तो 90 थे ना बेटा, दोनों 90 थे. अब जरा बताइए एंगल ए का अपोजिट साइड बोलो कौन? सर पी एस है. एंगल बी का अपोजिट कौन है? सर पी क्यू है. पी एस इज इक्वल टू पी क्यू, सो बाय सीपीसीटी पी एस इज इक्वल टू पी क्यू. ठीक है, फ्रॉम ट्रिपल स्टार, ये हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रिपल स्टार, ये हम लिखेंगे ट्रिपल स्टार. अच्छा, ट्रिपल स्टार से हमें क्या मतलब पता चल रहा है? सर हमें पता चल रहा है कि पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस में एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स पी एस और पी क्यू लेंथ में इक्वल है, देयरफॉर बाय डेफिनेशन इट इज अ रोम्बस. पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस. फ्रॉम ट्रिपल स्टार, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रिपल स्टार. From triple star we come to know that, rhombus parallelogram, parallelogram PQRS, parallelogram, because इसको हमने already से दिखाया है parallelogram है. PQRS has two of its adjacent sides, has one pair of its adjacent sides equal. ठीक है, फिर हम क्या बताएंगे? therefore by definition PQRS is a rhombus, hence proved. ठीक है, इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी किया. ठीक है बेटा, कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो डू कमेंट ऑन माय कमेंट सेक्शन और कमेंट किया करो बेटा. ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये तीनों क्वेश्चंस समझ में आए होंगे. अगर कहीं भी आपको मिसमिंगल हुआ होगा क्वेश्चन नंबर टू में तो आप बेटा कमेंट करना, तो मैं उसके लिए नया वीडियो लेक्चर फ्रेम कर सकता हूँ. लेकिन अगर आप उसको थोड़े थोड़े से मतलब पार्ट्स में देखोगे, पहले तो पूरा क्वेश्चन देखोगे, उसके बाद में क्या करोगे पार्ट्स में आप लिखोगे उसको, तो आपको आएगा समझ में कैसे वो लिखना, बिकॉज बोर्ड का इस्तेमाल सही से नहीं हुआ था, आई थिंक सो. ठीक है, तो बाकी ये तीनों क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट पे है, बहुत आसान से क्वेश्चन से एक क्वेश्चन को किया, बाकी क्वेश्चन के कुछ कुछ पार्ट्स आपको याद रखने. ठीक है, थैंक यू बेटा.